नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला वर्सेस कमाल मौला मस्जिद में आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई की टीम द्वारा शुरू किए गए सर्वेक्षण का तीसरा दिन है। पुरातत्व विभाग की टीम रविवार सुबह 7:50 पर अपने साथ तकनीकी उपकरण लेकर जांच क्षेत्र पहुंच चुकी थी और इस दौरान इसके साथ याचिकाकर्ता आशीष गोयल, भोजशाला मुक्ति संगठन के संयोजक गोपाल शर्मा और मुस्लिम पक्ष से अब्दुल समद मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान जांच शुरू किए जाने से पहले मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने मीडिया से ये चर्चा करते हुए कहा कि पहले दिन के सर्वे को पूरा शून्य घोषित करने के लिए एएसआई का मेल किया गया है और कई आपत्तियां समाज की ओर से एएसआई को मेल की गई है और मौखिक तौर पर भी बताई गई है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि मैं डायरी पेन लेकर आया था, आपत्तियां लिखित में देना चाहता था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसीलिए उन्होंने आपत्तियों को लेकर मेल के माध्यम से भेजा है। आपत्ति यह है कि 2003 के बाद जो भी चीज़ें अंदर गई हैं उन्हें तो कम से कम सर्वे में शामिल न किया जाए, वहीं जो चीज़ दिख रही है उनको दर्ज करें ना कि यहाँ कुछ और देखें। उन्होंने ये भी कहा कि हम सर्वे के खिलाफ नहीं बल्कि हम नए सर्वे के खिलाफ हैं, जो नई चीज़ दाखिल की गई है और उसी को सर्वे में दर्ज किया जा रहा है, हमारी उस पर आपत्ति है। उन्होंने 3 टीम बनाई और 3 अलग अलग स्थान पर काम कर रही हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमारी उसमें भी आपत्ति है क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति अंदर हूँ, एएसआई एक टीम बनाकर एक जगह काम करे, मैं एक वक्त में 3 जगहों पर कैसे रह पाऊंगा। पहले दिन के सर्वे को शून्य करने के लिए मेल के जरिए आपत्ति दर्ज की गई है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आगे उन्होंने कहा है कि हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि आखिर इस सर्वे कितने दिन चलता है। वैसे तो इस सर्वे के लिए 6 दिन की मोहलत दी गई है और 6 दिन के बाद ही पता लगा जा पाएगा कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं।